कार ओनर को टेंशन हो रहा होगा कि वो गाड़ी को वापस कैसे लेकर जाए। और ये देखिए हमारे बीच एक भुलक्कड़ देवी है जिसको ये भी पता नहीं कि उसका ये गिर चुका है। ये देखिए ग्लव्स अक्सा इसे कुछ याद नहीं रहता। मैंने आपको दिया था नीचे गिरा हुआ था। लोग अब फिसलना स्टार्ट हो चुके हैं। आज तो सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में है, कल से तो बहुत टेंशन होने वाला है। ये देखिए टोइंग ट्रक्स भी आ रहे हैं। ये दोस्तों देखिए सब जगह सब कुछ जम चुका है। सब ओनर अभी परेशान हैं, सब अपनी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं, सब टेंशन में है कि घर कैसे लौटेंगे क्योंकि आज बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है इम्प्रॉपर ब्रेकेज और इन सब कारणों से। ये देखिए एक्सीडेंट हो चुका है, वही तो एक्सीडेंट हो गया। सब स्लोली स्लोली जा रहे हैं। फ्रीजर और ये बर्फबारी कब तक खत्म होता है। ये देखिए टैक्सी वाले टैक्सी भी बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। आज मेरे को रूम से लैब आने में जहाँ पर 5 मिनट लगता था आज आधा घंटा लगा है। चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। स्नो ही स्नो, बर्फ की सफ़ेद चादर दिखती हुई। और ये देखिए मोटू रोड पे आ चुके हैं, इंस्टीट्यूट पुलिस पेट्रोलिंग पे लगे हुए हैं। सब देखिए धीरे धीरे घटकते हुए घर जाते हुए। देखिए फिसल रही है चक्का, गाड़ी स्किड करती है। ये देखिए बहुत मुश्किल से चलाते हैं रोड पे। ये देखिए स्नो का पुतला। आज मैं भी सोच रहा हूँ कि रूम को मैं जल्दी ही लौट जाऊंगा लैब से। तो आप लोग ये देख रहे हैं नज़ारा चोनम नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से। और आज का तारीख है 30 दिसंबर 2020 और परसों से 2021 की शुरुआत हो जाएगी। तो आशा करते हैं मे बी सब कुछ सही रहा तो हम लोग 2021 में कोरोना वायरस से उभर चुके होंगे और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जो गाड़ी जहाँ पर पार्क है वो मैक्सिमम ओनर वहीं पर छोड़कर या तो पैदल या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी से चले गए हैं।